किसान भाइयों, समझिए पोटास खाद के महत्व, जानिए किन फसलों में कब, कितना और कैसे पोटास का उपयोग किया जाता है और इससे फसलों पर क्या फायदे देखने को मिलते हैं। यदि मिट्टी में पोटास की कमी है तो इसके फसलों पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे पोटास की कमी को पूरा किया जा सकता है। पोटास खाद से जुड़ी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, किसी भी फसल को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरे सबसे महत्वपूर्ण तत्व पोटास यानी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटास फसलों को मौसम के तनाव जैसे सूखा, बारिश और रोग तथा व्याधि से बचाने में मदद करता है। पोटास जड़ों की समुचित वृद्धि करके पौधे को मजबूत करता है और पौधे की कोशिका दीवार मोटी होती है जिससे तना मजबूत बनता है और फसल को गिरने से रक्षा प्रदान करता है। पोटास की पर्याप्त मात्रा मिट्टी में होने से पौधे की जल उपयोग क्षमता बेहतर होती है जिससे पौधे की न्यूट्रिशन कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ती है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसीलिए पोटास फसलों की गुणवत्ता और उपज क्षमता बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। तो चलिए किसान भाइयों, अब देखते हैं पोटास की कमी के लक्षण, कैसे पोटास की कमी के लक्षण हमारी फसलों पर दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, पोटास के कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी से फसल के पत्ते किनारों पर फटने तथा मुड़ने लगते हैं और पत्तियों के अगले भाग पीले पड़कर सूखने लगते हैं और समय से पहले पूरी तरह से सूखकर झड़ जाते हैं और पौधे कमजोर होकर गिरने लगते हैं। पोटेशियम की कमी का सबसे बड़ा असर दानेदार फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का, चना तथा कंद वाली और फलदार सब्जियों और बागवानी फसलों पर पड़ता है। यदि फसल में पोटेशियम की कमी के लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि पोटेशियम के अभाव में फसल की क्षति हो चुकी है। इस समय इसका इलाज पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पोटास का प्रयोग करने से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पोटास का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ बुआई या रोपाई करने से पहले ही कर लिया जाए, जिससे पोटास फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रभाव कई प्रतिशत तक बढ़ा देता है। इसीलिए पोटास युक्त उर्वरक आम उर्वरक की अपेक्षा ज्यादा अच्छा असर दिखाते हैं। आमतौर पर पोटास पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। इसे खान से निकालकर कई केमिकल प्रोसेस करके परिशुद्ध लवण उर्वरक के रूप में म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से बाजार में भेज दिया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट और सल्फोमैग से भी पोटास की पूर्ति की जाती है। किसान भाइयों, पोटास की पूर्ति MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास दानेदार फसलों में 25 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से तथा कंद और फलदार सब्जियों में 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से मिट्टी की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पोटास मार्केट में NPK के रूप में अलग अलग रेशियो में आता है, जैसे 19-19-19, 0-52-34, 13-0-45, 0-0-50 जैसी खादों से भी आप पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी पोटास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करते हैं ये जानकारियां आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। किसान भाइयों, इसी सीरीज में सभी तत्वों पर विस्तृत जानकारियों वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।